अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ अविनाश मदेसिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो इसके पहले मैंने टेस्ट वाली वीडियो डाल दी थी, रिवीजन स्टडी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। सारे वीडियोस देखने के बाद बस एक ही चीज़ बची है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो मैंने अभी तक नहीं डाली है, बैकलॉग कैसे कंप्लीट करनी है। तो इस वीडियो का टाइटल ही है बैकलॉग किलर, बैकलॉग को किल कैसे करें, खत्म कैसे करें। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले चीज होता है प्लानर। पहले एक पेज उठाओ, जैसे ये पेज है, इस पे लिखो, तीन कॉलम बनाओ, ठीक है, ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जैसे भी तुमको बनाना हो, या ऊपर फिजिक्स, इधर केमिस्ट्री, एक बायो। ठीक, इसमें तुम्हें लिखना है कौन कौन से चैप्टर के तुम्हारे बैकलॉग बाकी हैं, मतलब तुम्हारे बैकलॉग कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं, इनको तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक, पहला चीज होता है प्लानर, जैसे जैसे कंप्लीट होंगे टिक मारते जाना। ठीक है, उसके बाद देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, जो करंट में चल रहा है बैकलॉग के चक्कर में, उसे कभी मत छोड़ना। जो करंट, जैसे तुम्हारा बैकलॉग है यूडीएम, काइनेटिक्स और पावर एनर्जी का तुम्हारा बैकलॉग हो गया, अब तुम्हारा रोटेशनल चल रहा है, तो तुम बैकलॉग के चक्कर में रोटेशनल अपना खराब नहीं करोगे किसी भी चैप्टर में। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों के लिए सेम कंडीशन है, तुम्हें वही करनी है, वही सारी चीजें करनी है जो अभी चल रही है। बैकलॉग कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजी को तुमको डेली 4 घंटे देने ही देने हैं, ठीक, केमिस्ट्री को 5 घंटे देने ही देने हैं, फिजिक्स को 5 से 5.5 घंटे देने ही देने हैं, डेली तुमको 14 से 15 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। तो ठीक है, देखो बायोलॉजी में 4 घंटे तुमको डेली स्टडी करनी है, ठीक, तो 4 घंटे तो पढ़ ही रहे हो ना, तो किसी दिन मान लो तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे तुमने बचा लिए, जैसे तुमको 2 चैप्टर पढ़ना, तो तुमने कहा मैं आज एक ही चैप्टर पढ़ूंगा, एक बैकलॉग कर लूंगा, एक तरीका तो ये होता है बैकलॉग करने का। ठीक है, दूसरी चीज देखो क्या होता है, अगर टेस्ट में कोई बैकलॉग वाला चैप्टर आ रहा है, जैसे बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन तुम्हारा बैकलॉग हो गया है, अगर वो टेस्ट में आ रहा है, तब तुम ये चीजें करोगे जो मैंने बताई है कि 2 घंटे 4 घंटे पढ़ने थे, 2 घंटे पढ़ लिया करंट वाला और 2 घंटा तुमने बैकलॉग कर लिया। ठीक, तो तब तुमको ये सारी चीजें करनी है। ठीक, तो अगर बायोलॉजी में, बायोलॉजी के टेस्ट में बैकलॉग वाले चैप्टर्स आ रहे हैं, तो तुम उन बैकलॉग वाले चैप्टर्स को वन शॉट से कर सकते हो इजीली। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़े होंगे लेक्चर, जैसे मान लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही मान लो आ रहा है, ठीक है, 2 दिन में तुम उसको इजीली एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ सकते हो किसी भी टीचर के लेक्चर से। बिपिन सर के लेक्चर देख लो, अब धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए, तरुण सर के लेक्चर्स हैं वन शॉट वाले जो हैं, उनको देख कर तुम कंप्लीट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो 2 दिन, जैसे 2-2 घंटा अपना करेंट वाला चलाओ, 2-2 घंटा तुम बैकलॉग अपना कंप्लीट कर रहे हो, जो चैप्टर्स तुम्हारे टेस्ट में आ रहे हैं बस उनके बैकलॉग ही कंप्लीट करना, जो चैप्टर नहीं आ रहे उनको छोड़े रहो, मैं बता रहा हूँ उनका क्या करना है। ठीक है, आई होप यू समझ गए होगे। पहले बता दिया 2 से 3 दिन में एक चैप्टर कर लेना है, 3 दिन में बोला हमने, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है तो 2-2 घंटा 2 दिन पढ़ो, पूरा कंप्लीट हो गया, 3रे दिन उसका पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो तुम्हारे टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया, तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। ठीक, केमिस्ट्री में क्या करना है, अगर कोई चैप्टर आ रहा है तुम्हारा उसमें बैकलॉग है और टेस्ट में आ रहा है, तो 1 घंटा 45 मिनट जो तुम्हारा है, 1 घंटा 45 मिनट तुम्हें करंट वाला पढ़ना है जो तुम्हारा चल रहा है। ठीक है, अगर कोई जैसे कहो सर कि भैया 2 घंटे का लेक्चर है, कैसे 1 घंटा 45 मिनट में होगा, तो इजीली वो तुम कर सकते हो, सब तुम्हारे ऊपर होता है। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं 2 घंटे कोई भी टीचर कंटिन्यूस पढ़ाता नहीं है, बीच में 15-20 मिनट तो ऐसे बात करेंगे, मजाक करेंगे, उसको स्किप कर दो। कोई पॉइंट जैसे तुमको मालूम है व्हाट इज फोर्स, अब एमआर सर तुमको फोर्स के डिफिनेशन बताए जा रहे हैं आधे घंटे से, अब तुम लटके पड़े हो फोर्स के डिफिनेशन पे, तो तुम वहां नुकसान कर रहे हो, सीधे आधे घंटा स्किप करो, भगा भगा के अपना उसको 3 घंटे के लेक्चर को 1 घंटा का तुमने बना दिया, ऐसे करके लेक्चर देखने होते हैं। ठीक है, हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर ही प्रीफर करो, लाइव लेक्चर में टाइम लगेगा और सिलेबस उनका बहुत लास्ट से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 1 घंटा 45 मिनट तुमने आज का जो पढ़ना था वो पढ़ दिया, 25 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तुम्हारे पास बच जाएंगे अभी भी 1 घंटे 50 मिनट। उन 1 घंटे 50 मिनट में जो नए चैप्टर्स हैं जिनके बैकलॉग तुम्हारे हुए हैं, उनके वन शॉट देखो, उनके बैकलॉग तुम डेली करके, मान लो 5 घंटे का तुम्हारा लेक्चर वन शॉट, उसको तुम क्या करो, 1.5 घंटे आज देख लिया, 1.5 घंटे कल देख लिया, 1.5 घंटे परसों देख लिया, हो गए ना 5 घंटे, 4.5 घंटे, अगले दिन चौथे दिन पूरा उसका वो कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो हो गया ना, ऐसे ही बैकलॉग करने होते हैं। अब बैकलॉग के चक्कर में करंट खराब करोगे तो तुम्हारी पूरी रिवीजन, मतलब हर एक चीज तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक, यही सेम चीज तुमको फिजिक्स में भी करनी थी, फिजिक्स में भी यही सेम चीज तुमको करना ही करना होता है, चैप्टर लेंथ के हिसाब से तुम अपना कर सकते हो, अपना वन शॉट देख देख के कंप्लीट कर सकते हो। ठीक,
वन शॉट देखो, एमसीक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, 3 घंटे करंट का लेक्चर पढ़ लो, 2 घंटे बैकलॉग लगा लो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अपने हिसाब से टाइम मैनेज करो तुमको, लेकिन 2 घंटे डेली बैकलॉग को देने हैं अगर वो चैप्टर टेस्ट में आ रहा हो तो, ठीक है। वही सेम चीज़ फिजिक्स में, वन शॉट देख लो, एमसीक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, 3 घंटे मतलब करंट वाला पढ़ लो, 2 घंटे बैकलॉग कर लो, 2 से 2.5 घंटे, 5.5 घंटे तो तुमको फिजिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक। दूसरी चीज अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चैप्टर कंप्लीशन के बाद मार्क तो करना ही करना है, स्टार मार्क उसको याद करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उन लोगों के लिए जो चैप्टर्स तुम्हारे बैकलॉग हुए हैं और वो चैप्टर्स तुम्हारे किसी भी टेस्ट में, हाल फिलहाल वाले टेस्ट में नहीं आ रहे। अगर वो चैप्टर टेस्ट में आ रहे हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उनका क्या करना है, अगर नहीं आ रहे हैं तो अब सुनो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अगर टेस्ट में चैप्टर नहीं आ रहा है तो जैसे स्टडी कर रहे हो करंट वाले उसको करते रहो, बैकलॉग पे बिल्कुल ध्यान मत दो। बैकलॉग जैसे तुमने अपना टारगेट बनाया कि मेरा दिसंबर में सब कुछ कंप्लीट कर लूंगा, ठीक, तुमको एक, तुमको 10 चैप्टर का बैकलॉग लग गया है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, अभी जो चल रहा है उसको करो, दिसंबर तक आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट किया तुमने, तुम्हारा 10 चैप्टर का बैकलॉग है, अपने आप को 15 दिन एक्स्ट्रा दो, 15 दिन एक्स्ट्रा दोगे और सारे बैकलॉग वहां पे कंप्लीट कर लोगे। यहाँ पे तुम्हारी जो करंट स्टडी है वो तुम्हारी डिस्टर्ब नहीं, यहाँ पर भी परिपक्व हो जाओगे, पूरी तरह मास्टर हो जाओगे और वहां 15 दिन पढ़ लोगे तो जो तुम्हारे 10 चैप्टर के बैकलॉग है वो भी फुल्ली तुम्हारे एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहली चीज होती है ये बैकलॉग साथ साथ में लेके प्रेशर लेके डिप्रेशन में जाके बैकलॉग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतना परेशान हो भैया, ये हो गया, परेशान नहीं होना भाई, हर एक चीज का सोल्यूशन है, उसको बस तुम्हें ढूंढना है। एक सोल्यूशन ये होता है कि लास्ट में कर लो, 5 चैप्टर बायोलॉजी का बैकलॉग है, लास्ट में 5 दिन में पढ़ूंगा बायोलॉजी का बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं क्यों परेशान रहूं अभी से, ठीक है। आवाज थोड़ी मेरी वो लग रही होगी, थोड़ी सर्दी टाइप की, तबीयत मेरी थोड़ी सही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया कि लास्ट में कर सकते हो। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, अगर तुम डेली डेली नहीं करना चाहते 2-2 घंटा, तो अपने पूरा जो करंट चला उस पर फोकस करो। तुमको मिलेगा एक दिन संडे, तुमको मिलेगी दीपावली की छुट्टी, तुमको मिलेगी दशहरे की छुट्टी, तुमको मिलेगी न्यू ईयर की छुट्टी, होली की छुट्टी, बीच बीच में कोई टीचर की तबीयत खराब हो जाती है उसकी छुट्टी, ये सारी छुट्टियां तुमको मिलेंगी, ठीक है। तो तुम अगर तुम्हारे 3 चैप्टर 4 चैप्टर के बैकलॉग है तो इन छुट्टियों में तुम इन सारे बैकलॉग्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। तो आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया होगा तुम लोगों को कैसे करना है सिलेबस के साथ। अगर टेस्ट में आ रहा है तो कैसे करना है बता दिया हूं, अगर टेस्ट में नहीं आ रहा तो लास्ट में कर लो, या तो फिर संडे कर लो या छुट्टियों के दिन कर लो, ठीक। सपोज करें सिलेबस 30 जनवरी को बताए वो भी तुरंत 30 जनवरी को कंप्लीट हो रहा है, 20 दिन एक्स्ट्रा रख लो बैकलॉग के लिए। डिमोटिवेट नहीं होना है, जो करंट में चल रहा है उसको करते रहना है, सब इजली हो जाएगा, कोई पे भरोसा रखो, चिल करो यार, एकदम चिल रहो, परेशान रहोगे, डिमोटिवेट रहोगे, डिप्रेस रहोगे, पेपर में जाके एंजाइटी कर दोगे, दिक्कत हो जाएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, मैं एग्जाम के 1 महीने पहले वीडियो डालूंगा कि कैसे टेस्ट देना है, मेरे खुद का पेपर डिस्टर्ब हुआ था, बस मेरे एंजाइटी की वजह से, नींद नहीं आने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम लोगों के साथ ऐसा ना हो, नींद की दवाएं खाकर मुझे पेपर देने जानी पड़ी थी, 2-2 टेबलेट्स खाया था मैंने 2 दिन पहले, नींद ही नहीं आ रही थी। तो मुझे लगता है तुम लोगों को मैंने बता दिया है कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करते हैं, आशा करता हूँ ऐसे ही तुम लोग करोगे, परेशान नहीं रहोगे, ठीक है। परेशान जब भी होगे अपना खुद का लॉस करोगे और किसी का लॉस नहीं होने वाला है। तो जैसे मैंने बताया बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, उससे बेस्ट तरीका मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। तो जो लोग इसको फॉलो करेंगे उनको लगेगा भी एकदम चिल लो यार, लास्ट तक पहुंचाओ, लास्ट में जाके 10 दिन एक्स्ट्रा पढ़ लो, बैकलॉग कंप्लीट कर लो। तुम जैसे ये लगता होगा तुम लोग कि पीछे वाला चैप्टर छोड़ा तो आगे वाला समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। कोई भी चैप्टर तुम रोटेशनल पढ़ रहे हो, रोटेशनल में तुमको वर्क पावर एनर्जी काइनेटिक्स एनलम किसी का यूज ही नहीं है वहां पे। रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो कुछ है ही नहीं यार, रे ऑप्टिक्स डायरेक्ट स्टार्ट करना लास्ट में, मॉडर्न का बैकलॉग है मॉडर्न लास्ट में करना, तुम्हें थोड़ा सा बस उसकी बेसिक जरूरत होती है, थोड़ा सा वेक्टर आना चाहिए, क्रॉस डॉट, ये सारी चीजें तुमको लगेंगी कहीं कहीं, वो भी जहां जहां लगती हैं वहां वहां टीचर एक्सप्लेन कर देता है। तो एकदम चिल रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो कंटेंट तो कोई जरूरत नहीं है, कम से कम वीडियो अगर देखते हो तो लाइक तो कर सकते हो ना, तो लाइक कर दिया करो यार, कमेंट नहीं करते हो तो लाइक भी नहीं करते हो तुम लोग। 2000 व्यूज आता है तो 50 लोगों का लाइक आता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, सपोर्ट करो थोड़ा। देखता हूँ तुम लोग के लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहा हूँ, पेपर मेरा हो जाए फिर तुम लोग देखोगे यहाँ फिजिक्स कैसे पढ़ना होता है और फिजिक्स में नंबर आते कैसे हैं। एक चैप्टर तुम लोगों ने बोला था रोटेशनल का कि टफ लगता है,
मैं रोटेशनल ही पहले कराऊंगा, रोटेशनल में देखना तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।